सोहना के व्यस्तम रोड कैची चौक पर बिजली के पोल पर लाइट की व्यवस्था पिछले काफी दिनों से नदारद है, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि अंधेरे में घूमते हुए आवारा पशु भी दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हादसों का डर बना रहता है। अपनी बात कहते हुए दुकानदार खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि यहां पर अंधेरा पसरा रहता है और प्रशासन यहां के खंभों की बिजली को ठीक नहीं कराता। दूसरा, यहां पर आवारा पशु भी काफी घूमते रहते हैं, जो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देते और कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, ताकि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, जिससे हादसों से भी बचाव हो सकेगा। प्रशासन से अर्ज कर रहा हूं कि बराड़ चौक से लेकर बालाजी चौक तक जो सरकार ने, प्रशासन ने स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई है, वो लगभग एक महीने से बंद पड़ी है। इस अंधेरे में आवारा पशुओं का देखना भी बड़ा मुश्किल हो पाता है। अभी चंद मिनट पहले यहाँ एक दुर्घटना होते होते बची है। प्रशासन से प्रार्थना है कि कुंभकर्णी नींद से जागते हुए यहाँ पर रोशनी आदि की व्यवस्था करें, ताकि किसी को भी कोई जान माल की हानि ना हो, तभी जनमानस अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर पाए। यहाँ पर अभी अभी एक एक्सीडेंट होते बचाया, कैन बराड़ चौक से लेके बालाजी मंदिर तक लाइटें बिल्कुल बंद है तकरीबन एक महीने से। अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट होता होता मतलब टल गया है, होने वाला था एक्सीडेंट, इसलिए आवारा पशु यहाँ आते जाते हैं और यहाँ बरसात का पानी भी खड़ता है, जिससे हम सब लोग दुकानदार परेशान हैं। और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। यहाँ कैंची चौक से लेके बराड़ चौक तक सभी लाइटें बंद है, और यानी कि अभी एक्सीडेंट होने का पूरा बचाव हुआ है। और प्रशासन को चाहिए कि कुंभकर्णी नींद से जल्दी इसको यानी कि चालू करवाया जाए लाइटों को, और आगे पूरा यानी कि ध्यान रखा जाए। सत्य खबर के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।